इतिहास में पहली बार किसी संस्था ने बीएमसी ऑफिस के गेट पर एक टेम्पो कचरा फेंक कर नए अंदाज में किया आंदोलन। स्वच्छ मालवाणी अभियान को लेकर आज दिनांक 20 जनवरी 2021 वंदे मातरम संस्था के अध्यक्ष फिरोज शेख ने बीएमसी ऑफिस के गेट पर एक टेम्पो कचरा फेंका। फिरोज शेख का कहना है कि मालवाणी में हर जगह कचरा है, स्कूल के सामने कचरे का ढेर पड़ा रहता है, स्कूल के बच्चों को कचरे में से जाना पड़ता है। घन कचरा विभाग से शिकायत की गई लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते। अगर मेरे ऊपर कोई केस होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं मालवाणी के लोग को गंदगी में नहीं देख सकता और जब तक इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता यह आंदोलन जारी रहेगा। आइए देखते हैं 24 यस न्यूज की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। स्वागत है आपका 24 यस न्यूज पे। इस समय हम मौजूद है बीएमसी कार्यालय में, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले यहां पर वंदे मातरम संस्था ने बीएमसी के गेट पर कचरा डालकर गया था। उनकी मांग है कि जो कचरा मालवणी में जितने वाड़े क्षेत्र में वहां पर कचरा आए दिन पड़ा रहता है, साफ सफाई भी होती है, साफ सफाई के नाम पर बस सिर्फ काम के लिए होती है। और जो कचरा डिपार्टमेंट जो हर वार्ड में उनका कहना है कि 2 से 2.5 लाख रुपया बीएमसी की तरफ से हर वार्ड में जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं ये कमी दिखाई देती है कि कचरा उठाया नहीं जाता है। थोड़ी देर के लिए उठा दिया जाता है लेकिन कचरा पूरा पड़ा ही पड़ा रहता है। तो आज वंदे मातरम संस्था ने वहाँ का कचरा उठाकर यहाँ पर डाला और आप देख सकते हैं कि केवल 2 मिनट में यहाँ का कचरा उठा दिया गया। और मालवणी क्षेत्र का आप देखेंगे तो हर वार्ड में कचरा पूरा दिन 24 घंटा पड़ा रहता है, गाड़ी उठा के जाती है फिर भी पड़ा ही रहता है। हम बात करेंगे वंदे मातरम संस्था के अध्यक्ष से भी, अभी उनसे मुलाकात करेंगे। मैं कैमरा मैन सर के साथ पिछड़ा एमपी 24 मुंबई। दर्शकों, इतिहास में पहली बार मुंबई मलाड बीएमसी ऑफिस के सामने किसी संस्था ने टेम्पो भर कर कचरा डाला। ये संस्था है वंदे मातरम संस्था और हमारे साथ फिरोज सर वंदे मातरम संस्था के फाउंडर और अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं ऐसा उन्होंने क्यों किया। फिरोज सर, स्वागत है आपका 24 इयर्स न्यूज में। आपने जो आज बीएमसी कार्यालय के सामने जाकर गेट पर जो कचरा फेंका, इसकी क्या वजह है? इसकी बात यह है कि अगर आप मालवणी में रहते हो तो आपको पता होगा कि मालवणी के लगभग हर स्कूल को महानगर पालिका ने स्कूल के गेट को कचरे की पेटी बना के रखा है। हमारे बच्चे जब भी स्कूल जाते हैं तो उनको कचरे में से ही जाना पड़ता है, चारों तरफ कचरे का अंबार लगा हुआ होता है। कई सालों से हम 2013-14 से कंटिन्यू घन कचरा विभाग के पीछे है कि भाई आप साफ सफाई के अंदर जो है अच्छे से अच्छा काम करें, लेकिन महानगर पालिका के जो अधिकारी है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। सिर्फ जब हम आंदोलन करेंगे एक दो दिन कुछ ठीक करते हैं उसके बाद फिर जैसे थे हो जाता है। इसलिए हमने बताया कि भाई ये कचरा जो आप यहाँ पर ला के रखते हो आपके गेट पे भी रख के देखो कैसे लगता है। दूसरी बात है उनको तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए ना, यहाँ से कचरा उठा के लेके जाते इतना उनका आने जाने का और मैन पावर बचता है। इसके लिए हमने सोचा कि उनको जाकर के सीधे कचरा उनके पास ही देंगे। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक मालवणी में परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है घन कचरा विभाग की तरफ से, तब तक ये आंदोलन कंटिन्यू चलता है। अच्छा फिरोज सर, आपने इतनी निडरता से मालवणी में ऐसा किसी ने काम नहीं किया तो आपको इस पर डर नहीं लगता आपके ऊपर एफआईआर हो या कुछ और हो जाए? नहीं, अगर कुछ उनके कानून के हिसाब से अगर कुछ गलती हुई है तो फिर वो मुझे उसकी सजा में भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं हमारे मालवणी के लोगों को गंदगी में देख नहीं सकता। मुझे अगर मेरे ऊपर कोई केस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे मालवणी के जो लोग हैं, मेरे मालवणी में रहने वाले जो लोग हैं उनको गंदगी से जो है छुटकारा मिले, ये मेरा उद्देश्य है। ये तो फिरोज सर जिन्होंने कहा कि अगर जो केस होता है वैसे अगर लीगल केस होता है तो उससे मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं अपने मालवणी के लोगों के लिए ये नहीं देख सकता कि वो गंदगी में रहे। और फिरोज सर का ये कहना है कि जब तक का इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक का ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं कैमरा मैन शोएब के साथ जिशान आदमी 24 इयर्स न्यूज़ मुंबई।